तो जब भी हम लोग बाहर होते हैं तो हम लोग गाने सुनते हैं अपने फोन के अंदर, हम लोग सुनते हैं ईयरफोन्स के अंदर या फिर हेडफोन्स में कहीं पे भी, बट उन सब चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कि होती है मिड. He said that the soul is in the mid range. The mid range really is everything. Mid range is where it's all at. Any processing, any EQ, any mastering, nothing is perfect because what is perfect today will not be perfect after 3 months. Most people that are mixing are trying to conquer the plugin. The plugin is a tool. Keep it simple. तो अभी हमने FL स्टूडियो के अंदर एक ट्रैक लोड कर दिया और उस ट्रैक को सुनते हैं, बट सिर्फ और सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी सुनते हैं एक बार. तो अभी इस चीज को सुन के बताना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि ये कौन सा ट्रैक है. और अब इसको एक बार सुनते हैं काफी ज्यादा हाई पे, तो इसको कर देते हैं कहीं यहाँ पे. तो ये फ्रीक्वेंसी को सुन के भी ये बताना बहुत ही मुश्किल है कि ये कौन सा ट्रैक है. बट अब सुनते हैं कि ये ट्रैक अब कैसा लग रहा है. फड़ेला चप्पल बार बार सिल के पहनते थे, ताकत ने टांगों में तो भी बेटा हम रेंगते थे. तो इस फ्रीक्वेंसी रेंज को सुन के समझ में आ गया हमें कि हिप हॉप ट्रैक और एमवे बनता का ट्रैक है, और मोस्टली हर एक इंस्ट्रूमेंट इस फ्रीक्वेंसी रेंज में लाया करता है. तो गाइस अब आप लोगों को समझ आ गया कि मिड रेंज की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है. तो अब बात करते हैं इस मिड रेंज को आप कैसे सही कर सकते हो अपने गानों में. तो सबसे पहला पॉइंट है कि डू नॉट बैलेंस योर मिक्स. तो जब भी हम ट्यूटोरियल्स देखते हैं फिर अपने गाना सुनाते हैं किसी भी इंजीनियर को, तो हमें यही सुनने को मिलता है कि मिक्स बैलेंस नहीं है, मिक्स अच्छा नहीं लग रहा. पर रीजन क्या है? क्योंकि हमें मिक्स को बैलेंस नहीं करना होता, हमें मिक्स में प्रायोरिटाइज करना होता है. बैलेंस्ड मिक्सेस आर एक्चुअली इनक्रेडिबली फ्रिकिंग बोरिंग. तब बात करते हैं प्रायोरिटाइज करने का मतलब क्या है. फॉर एन एग्जाम्पल, कभी भी आप एक हिप हॉप ट्रैक को सुनोगे तो उसके अंदर जितने लाउड आपको किक, 808 और वोकल्स लाउड मिलेंगे, उतना लाउड आपको इंस्ट्रूमेंट नहीं मिलेंगे. इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो कम प्रायोरिटाइज पे रखा जाता है कंपेयर टू वोकल्स. हाई हैट जो होती है वो काफी कम वॉल्यूम पे रखी जाती है कंपेयर टू किक एंड 808. अगर आप कोई भी अरिजीत सिंह का ट्रैक सुनते हो तो उस गाने के अंदर वोकल्स जितने ज्यादा लाउड होंगे उतने ज्यादा लाउड गिटार नहीं होगा. तो अगर आप मिक्सिंग करते टाइम हर एक इंस्ट्रूमेंट को बैलेंस कर देते हो, मतलब सेम ही लेवल पे रख देते हो, तो आपका मिक्स अच्छा नहीं निकल के आएगा. आपको अपने मिक्स के अंदर प्रायोरिटाइज करना पड़ता है, मतलब आपको ढूंढना पड़ता है कि आपके गाने के अंदर क्या क्या इंस्ट्रूमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्या क्या इंस्ट्रूमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब भी आपके घर में कोई आलू की सब्जी बनती है तो उसके अंदर जितनी क्वांटिटी में आलू डालते हैं उतनी क्वांटिटी में आप सॉल्ट नहीं डालते. मेरे घर में तो पनीर की बनती है, तो अगर इनके घर में पनीर की बनती है तो जितनी क्वांटिटी में पनीर डालते हैं उतनी क्वांटिटी में चिल्ली नहीं डालते होंगे, वो सटल डाली जाती है क्योंकि वो मेन. मेरे घर में तो चिल्ली पनीर नहीं बनता. ये परेशान कर रहा है, मैं नहीं बता. तो सब्जी की क्वांटिटी जितनी होगी उतनी ना ही नमक की होगी, ना ही चिल्ली की होगी, ना ही बाकी चीजों की होगी. तो बाकी सारी चीजें सपोर्ट दे रहे हैं हमारी मेन सब्जी को. एग्जैक्ट सेम तरीके से जब भी आप अपने ट्रैक को मिक्स करते हो तो आप प्रायोरिटाइज करते हो कि किक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वोकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और गिटार, स्ट्रिंग्स, चेलोस वो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, और हाई हैट और थोड़ी कम इंपॉर्टेंट है. हर एक मिक्सिंग स्टाइल में प्रायोरिटाइज करना आना चाहिए. और नहीं आ रहा तो मिक्स आप हमसे करवा सकते हो. हाँ, ये बहुत पते की बात बोली है. तो गाइस सेकंड पॉइंट है कि लो एंड को हम अपने मिड में कैसे ला सकते हैं, यानी कि जब भी हम 808 प्ले करते हैं या फिर हम बेस प्ले करते हैं वो हमारे फोन्स में नहीं सुनाई देती, तो उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं. When they play this in the Jeeps, it's gonna rattle, it's gonna shake the highway, everyone's gonna know you're coming. Okay, that's awesome. Your iPhone's never gonna reproduce that. But if you add some saturation, it's probably not those frequencies, but it's gonna give you those higher things that your phone can reproduce. तो मैंने कार्तिक तेरे को दो ऑडियो भेजी है और एक में हमारी 808 थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड या सैचुरेटेड है और एक में बिल्कुल भी नहीं है. तो पहले जो सैचुरेटेड नहीं है उसे सुनते हैं. तो आप देख सकते हो बहुत ही कम आवाज आ रही है. समझ नहीं आ रहा. और अब सुनते हैं जो सैचुरेटेड या फिर एक्साइटर से कर सकते हो आप. और सेकंड 808 में हमने सैचुरेशन लगाया जिससे कि हमारे फोन में या फिर लैपटॉप के स्पीकर में सुनाई दे. क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम स्टूडियो मॉनिटर्स या फिर अपने हेडफोन्स में सुनते हैं तब तो हमें बेस सुनाई दे रही होती है, बट ऑडियंस जो है वो इतने महंगे इक्विपमेंट में गाना नहीं सुनने वाली, आपके फोन के स्पीकर में ही सुनेगी. मैं तो यूबॉन की ईयरफोन पहनता हूँ, सुबह आवाज आती है. स्पॉन्सर करता हूँ. सेकंड पॉइंट ये है कि मैंने काफी स्टूडेंट्स से प्रॉब्लम सुने कि जब भी वो अपना गाना हेडफोन या स्टूडियो मॉनिटर्स में मिक्स करते तो बहुत अच्छा साउंड कर रहा होता है, बट जैसे ही वो अपने फोन में सुनते हैं तो इतना अच्छा साउंड नहीं करता. तो सबसे पहली बात तो ये है कि वो कभी अच्छा साउंड करेगा भी नहीं, क्योंकि फोन का स्पीकर डिफरेंट होता है और हेडफोन और स्टूडियो मॉनिटर के स्पीकर डिफरेंट होते हैं. और अगर आप चेक करना चाहते हो कि आपका गाना फोन में कितना अच्छा ट्रांसलेट कर रहा है, तो उसका बेस्ट तरीका क्या है कि आप अपने फोन लो, उसमें कोई और अपना रेफरेंस ट्रैक सुनो
और थोड़ी देर उसको सुनते रहो, एक और रेफरेंस ट्रैक सुनो, थोड़ी देर उसको सुनते रहो, और बीच में एकदम से अपने ट्रैक पे जंप कर जाओ और फिर नोट करो कि आपके गाने में क्या क्या कमी लग रही थी उस फोन के स्पीकर पे ही। यहाँ पे मैं स्टूडियो मॉनिटर या अपने स्टूडियो हेडफोन्स की बात नहीं कर रहा हूँ। और जब आप वो पॉइंट्स नोट कर लोगे कि क्या क्या आपको कमियाँ लग रही थी जब भी आप अपने फ़ोन के स्पीकर्स में सुन रहे थे अपने गाने को, उस पॉइंट्स को नोट करो और उन चीज़ों को फिक्स करो अपने स्टूडियो मॉनिटर या अपने खुद के हेडफोन्स में जिस पे आप मिक्स करते हो। और गाइस फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और फोर्थ पॉइंट क्या है, बेसिकली हम मिस्टेक करते हैं कि हम हाई शेल्फ लगा देते हैं वोकल्स में, जिससे क्या होता है वोकल एयरी तो लगती है बट जो वोकल की प्रेजेंस है, हमारे वर्ड की प्रेजेंस है, यानी वर्ड क्लियरली नहीं सुनाई देते। तो उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए 1 kHz से लेकर 5 kHz को थोड़ा सा बूस्ट करना चाहिए, जिससे होता यह है कि आपकी वोकल ज्यादा क्लियर, आपके वर्ड ज्यादा क्लियर फील होते हैं। और इस टर्मिनोलॉजी या इस टर्म को बोलते हैं वोकल इंटेंजिबिलिटी, जो कि आता है आपकी स्क्रीन के सामने फ्लेचर मंसन कर्व के थ्रू, जो कि बताता है कि हमारे 1 kHz से 5 kHz पे हम सभी के कान ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, यानी ज्यादा क्लियरली सुनते हैं। तो उस चीज को हम थोड़ा और बूस्ट करते हैं तो वर्ड और क्लियर लगते हैं और हमारे सारे अल्फाबेट्स वहीं पे लाए करते हैं। और हमने खुद ये प्रैक्टिकली टेस्ट करा हुआ है कि जब हम इस फ्रीक्वेंसी रेंज को यूज करते हैं हाइज को बूस्ट करने के लिए, तो वो ट्रांसलेट बहुत अच्छा होता है कि जब भी हम अपने गाने को स्टूडियो मॉनिटर से फोन पे या फिर गाड़ी के स्पीकर पे सुनते हैं तो काफी अच्छा ट्रांसलेट है। और इसको हाइज और मिड हाइज के बीच का पोर्शन बोलते हैं। Alright guys, तो व्यू आप लोगों को वीडियो बढ़िया लगेगी तो जल्दी से लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में मिड रेंज बरसा दो। और क्या करना होता है, और अगर आप लोग हमसे पढ़ना चाहते हो म्यूजिक प्रोडक्शन कोर्स या फिर मिक्सिंग और मास्टरिंग सर्विसेज, हमारी वेबसाइट आ रही होगी basilia.in, जाके चेक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। चेक नहीं कर रहे हो, जल्दी से चेक करो, बाय।